हेलो एवरीवन, सो यू आर वाचिंग संगीता रोशन। तो चलिए देख लेते हैं एक बार आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पतीले में आधा पतीला पानी, और अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और उस पानी में हम डाल देंगे नूडल्स। अब इन नूडल्स को हमें 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है, और 5 मिनट के बाद हम इन्हें स्ट्रेन करके छान के किसी और प्लेट में अच्छे से निकाल के रख देंगे। और उसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल, और उसमें डालेंगे 7 से 8 कटे हुए लहसुन की कलियाँ, और 3 कटी हुई हरी मिर्चें, और 2 प्याज के स्लाइस कटे हुए। अब इन्हें हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है कि बिल्कुल ही मतलब ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का इन्हें पका लेना है हमें, और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें चलाएंगे। देन उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम डालेंगे इनके अंदर 1 कटी हुई गाजर, और येलो बेल पेपर डालेंगे 1, जो पीली वाली शिमला मिर्च होती है वो 1 कटी हुई डालेंगे स्लाइस में, शिमला मिर्च डालेंगे 1 कटी हुई। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी बंद गोभी कटी हुई, और ये मैंने 1 कटोरी ब्रोकली ली है, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना भी डालें। बिकॉज़ मेरे पास स्प्रिंग अनियंस नहीं थे तो इसलिए मैंने ब्रोकली डाली है इसमें। और अब हम इसे फिर से चला लेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि जो गैस का फ्लेम है उसे मीडियम टू हाई पे ही रखना है, और अब हम इसे चलाएंगे हल्का हल्का। और देन इसके अंदर हम डाल देंगे सोया सॉस 3 बड़े चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, ग्रीन चिली सॉस डालेंगे 2 चम्मच, सिरका डालेंगे यानी कि विनेगर डालेंगे 3 चम्मच, टोमेटो सॉस डालेंगे 2 चम्मच बड़े 2 बड़े चम्मच, और रेड चिली सॉस मैंने डाली है 1 चम्मच। देन इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट तक हल्का हल्का चलाते हुए पकाना है इसे हमें। ये जो चाउमीन है ये घर पे बहुत ही इजीली बन जाती है, और आप जब चाहें तब बना के खा सकते हैं इसे। अब जो हमने नूडल्स निकाल करके बॉयल करके स्ट्रेन करके रखे हुए थे अलग प्लेट में, तो अब उन्हें भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और ये देखिए, अब इसे भी हम इसके अंदर चला लेंगे, और ये सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट तक ही इस आराम आराम से चलाना है। और जो गैस का फ्लेम है जैसे कि मैंने बताया कि उसे मीडियम टू हाई पे ही रखना है। और अब इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अच्छे से वेजिटेबल्स को भी नूडल्स के अंदर मिक्स कर लेंगे। सो 2 से 3 मिनट तक ही इसको चलाना है। और ये देखिए, हमारी ये घर पे इजीली चाउमीन बन के रेडी हो चुकी है, तो आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं। और वैसे तो मैंने इसमें ब्रोकली ऐड की है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, स्प्रिंग अनियंस ऐड करते हैं, बट ब्रोकली डालने की वजह से जो नूडल्स के साथ में जब आप ब्रोकली और भी वेजिटेबल्स खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही यम्मी बनी है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू। वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है संगीत, ये तो। और इसमें वेजिटेबल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, बिकॉज़ ये हम आगे के लिए बना रहे हैं। हाँ, हम भी खाएंगे। इसका मैंने बच्चे वेजीज भी खा लेंगे थोड़े। वैसे भी हमें चाउमीन में वेजीज बहुत पसंद है, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। अभी खा के देखते हैं कैसा लगता है, ये माउथ वाटरिंग है। और ये हमारी टेस्टी वाली चाउमीन बनके रेडी हो गई है। चलो खा के दिखाते हैं अब कैसी लग रही है। तो अब रोशी इसे खा करके बताएंगे कि ये कैसी बनी है। संगी, ये तो देख के ही मजा आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त बनी है। एक्चुअली कलर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं ना इसमें। और जो तुमने ब्रोकली का तड़का दिया है ना, मेरे पास स्प्रिंग अनियंस नहीं थे तो ये उसका सब्स्टिट्यूट है। मैं खा के दिखाता हूँ जल्दी से कैसा लग रहा है। कैसी लगी है? लाजवाब, इतना टेस्टी है ना मैं बता नहीं सकता। आई थिंक एक एक फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा है, चाहे वो प्याज हो, गाजर हो, और चाउमीन इतनी बढ़िया से पकी है ना। और ब्रोकली की वजह से क्रंचीनेस आ गया है, और बहुत ही अच्छा स्वाद निकल कर आ रहा है। मैं एक बाइट और लेके खा के दिखाता हूँ, उसके बाद
बाकी तुम बता दो अपने व्यूअर्स को क्या करना है, मैं खा कर खाता हूँ। तो आई होप आप लोगों को भी ये देखने में अच्छी लग रही होगी और आप लोग भी जल्दी से ट्राई करेंगे और बनाएंगे। आई थिंक सबके मुंह में पानी आ रहा होगा देख करके, तो जाइए आप भी बनाइए। और नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं ना जाओ खाओ सॉरी जाओ बनाओ और खाओ।